देश भर में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी दूसरी लहर में देखी जा रही थी, जहां लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे थे। इसी दिक्कत को खत्म कोलकाता के एक डॉक्टर ने कर दिखाया है। बता दें कि डॉक्टर रमेंद्र लाल मुखर्जी, जो कि कोलकाता के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक पॉकेट वेंटिलेटर का आविष्कार कर दिखाया है। बता दें कि ये साइंटिस्ट ऐसे आविष्कार करते रहते हैं। कोरोना के समय में ऐसा आविष्कार लोगों के लिए काफ़ी एक राहत की खबर हो सकता है। अगर मरीज अचानक से बीमार हो गया या मरीज को वेंटिलेटर की आवश्यकता हो तो यह आविष्कार काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार ये पॉकेट वेंटिलेटर बैटरी से चलता है और सस्ता भी है। इसी के साथ साथ ये मरीज को सांस लेने में भी मदद कर सकता है। आपको बता दें कि ये पॉकेट वेंटिलेटर में दो यूनिट है, पहली यूनिट पावर की और दूसरी वेंटिलेटर की है। एक बटन दबाते ही ये वेंटिलेटर में बदल जाता है। डॉक्टर के मुताबिक इस पॉकेट वेंटिलेटर में एक मास्क भी है, जिससे कि मरीज को साफ हवा मिल सके। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।